एप्पल कंपनी जल्द ही अपना सोलर प्लांट शुरू करने वाली है। एप्पल अमेरिका के एरिजोना में 300 एकड़ जमीन पर अपना सोलर प्लांट लगा रही है, जिससे बनने वाली बिजली को वो अपनी मेसा डेटा कमांड सेंटर में इस्तेमाल करेगी। सीरिया के होम्स प्रांत में तालबिश में पैराशूट बम गिराए गए, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं और एक महिला की भी मौत हुई है। घायलों में कई बच्चे भी हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया गया है, जिस पर शहर पर बम गिरते दिखाया गया है। यूएन जनरल असेंबली में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने नॉर्थ कोरिया के परमाणु परीक्षण का मुद्दा उठाया। आबे ने कहा कि हाल ही के दिनों में नॉर्थ कोरिया ने जिस तरह से परमाणु परीक्षण किए हैं, उससे खतरा बढ़ा है, इसीलिए नॉर्थ कोरिया को अब उसी तरह का जवाब देना चाहिए। लीबिया के सिर्त शहर में फौज और आईएसआईएस के बीच लड़ाई जारी है। लीबिया में आईएसआईएस लगातार पीछे होती जा रही है और अब वो सिर्त के थोड़े से इलाके में काबिज है। माना जा रहा है कि जल्द ही शहर को आईएसआईएस से छुड़ा लिया जाएगा। सीरिया में राहत सामग्री ले जा रहे ट्रकों पर बमबारी के मामले में रूस ने नया खुलासा किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हमले वाले दिन उसी इलाके में अमेरिकी ड्रोन देखे गए थे। रूस के पास उस वक्त के एयर एक्टिविटी का ब्यौरा भी है,